नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का में गुरुत्वाकर्षण का पार्ट टू डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण होगा। ऑप्शन ए जी अपान वन प्लस एच अपान आर होल का स्क्वायर प्लस जी अपान वन माइनस एच अपान आर। ऑप्शन सी आर ई अपान वन प्लस एच स्क्वायर। ऑप्शन डी एच अपान आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी अपान वन प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर टू, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। ऑप्शन ए एच अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन बी जी कोष्टक में वन माइनस एच अपान आर। ऑप्शन सी एच अपान डी ई प्लस टू। ऑप्शन सी एच प्लस टू अपान आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जी कोष्टक में वन माइनस एच अपान आर ई। क्वेश्चन नंबर थ्री, कक्षीय वेग वी जीरो इक्वल टू। ऑप्शन ए जी अपान आर ई प्लस एच। ऑप्शन बी अंडर रूट एच अपान आर ई। ऑप्शन सी अंडर रूट जी आर ई का होल स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच। ऑप्शन डी आर ई अपान एच स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच। क्वेश्चन नंबर फोर, पृथ्वी का पलायन वेग वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट आर ई एच। ऑप्शन बी अंडर रूट एच अपान आर ई। ऑप्शन सी अंडर रूट एच अपान पी स्क्वायर। ऑप्शन डी अंडर रूट टू जी आर ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडर रूट टू जी आर ई। क्वेश्चन नंबर फाइव, पलायन वेग बराबर ऑप्शन ई दो गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन बी अंडर रूट टू इंटू कक्षीय वेग। ऑप्शन सी दो गुणे वेग। ऑप्शन डी कक्षीय चाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दो गुणे अंडर रूट टू इंटू कक्षीय वेग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यदि कोई पिंड वी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो प्राप्त महत्तम ऊंचाई h बराबर। ऑप्शन ए h स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर। ऑप्शन बी आर ई अपान एच स्क्वायर। ऑप्शन सी v स्क्वायर अपान आर ई। ऑप्शन डी टू जी आर ई माइनस वी स्क्वायर। ऑप्शन डी h अपान आर ई स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी v स्क्वायर आर ई अपान कोष्टक में टू जी आर ई माइनस वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेवन, केपलर का दूसरा नियम आधारित है संरक्षण पर। ऑप्शन ए ऊर्जा के संरक्षण पर। ऑप्शन बी रेखीय संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन सी कोणीय संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन डी आवेश के संरक्षण पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोणीय संवेग के संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर एट, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन ए बढ़ेगी। ऑप्शन बी घटेगी। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी पृथ्वी की बढ़ेगी व पिंड की घटेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उसकी ऊर्जा
घटेगी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण, ऑप्शन ए 1% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 1% घट जाएगा, ऑप्शन सी 2% घट जाएगा, ऑप्शन डी 2% बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी, ऑप्शन ए 64.5, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 182.5, ऑप्शन डी 730। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 129 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। एक ग्रह, यहाँ फिगर में देखिए, एक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ग्रह का अधिकतम वेग होगा, ऑप्शन ए ए पर, ऑप्शन बी बी पर, ऑप्शन सी सी पर, ऑप्शन डी डी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बी पर, जब उसके नज़दीक आएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी और जब वो दूर रहेगा तो स्लो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी तल से पलायन वेग VE है, उस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से दोगुने हैं, ऑप्शन ए VE, ऑप्शन बी 2VE, ऑप्शन सी 4VE, ऑप्शन डी 16VE। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए VE होगा, सॉरी ये हमारा VE। क्वेश्चन नंबर 13, दो उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऑप्शन ए द्रव्यमान समान होंगे, ऑप्शन बी वेग समान होंगे, ऑप्शन सी कोणीय आवेग समान होंगे, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वेग समान होंगे, अगर वेग समान नहीं होंगे तो वे एक दूसरे आपस में टकरा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान यम की पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा है, ऑप्शन ए 1/4 mgre, ऑप्शन बी 1/2 mgre, ऑप्शन सी mgre, ऑप्शन डी 2 mgre। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी mgre। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रहों की गतिज ऊर्जा निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ऑप्शन ए रेखीय गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी रेखीय संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोणीय संवेग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।